आजकल ज्यादातर कूलरों में वुडवूल यानी घास की जगह हनी कॉम पैड का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इन दोनों में ज्यादा अच्छा कौन होता है, आइए जानते हैं। देखिए, हनी कॉम पैड की कीमत 700 से 1500 रुपए तक होती है, लेकिन ये 2 से 3 साल तक बड़े आराम से चल जाते हैं, क्योंकि हनी कॉम वाले पैड में बड़े बड़े छेद होते हैं, इसीलिए जब हम कूलरों को घर के बाहर लगाते हैं तो गर्म हवा भी इसे पास होकर अंदर आती रहती है। इसीलिए अगर आपके कूलर में हनी कॉम पैड लगा है तो कूलर को कमरे के अंदर लगाएं और खिड़की खोल दें। वहीं लकड़ी के घास वाले कूलिंग पैड आपको बाजार में 100 रुपए के आसपास मिल जाएंगे, लेकिन इन्हें हर साल बदलना पड़ता है। घास वाले पैड में घास आपस में सटी हुई होती है, जिससे खिड़की के बाहर लगे होने पर भी गर्म हवा अंदर आने नहीं पाती है, और जो हवा आती भी है वो भी ठंडी होकर ही आती है। वहीं अगर घास वाला कूलर कमरे के अंदर लगा है तो उससे नमी अधिक और कमरा कम ठंडा होता है।